गाइज अब राइटिंग की भी टास्क वन टू की बहुत इजी सैंपल आंसर वाली वीडियोज़ आ रही हैं हे गाइस सूरज दिस साइड वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अलवि सूरज आई एम आल्सो ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन फॉर दिस यू गाइस कैन आल्सो ज्वाइन माय व्लॉगिंग चैनल गाइस जो मेरा स्पेशल स्पीकिंग पीडीएफ है वो अब अवेलेबल हो चुका है जिसमें ऑल क्यू कार्ड्स जम्बू क्यू कार्ड्स प्रोनौंसिएशन ई पार्ट वन फॉलोअप्स और भी बहुत कुछ है सो so, आगे हम बात करने जा रहे हैं आज का जो हमारा टॉपिक है क्यू कार्ड है डिस्क्राइब अ गुड लॉ इन योर कंट्री अपने देश के एक अच्छे लॉ यानी कि कानून के बारे में बताइए मे टू अगस्त 2024 का यह न्यू ही क्यू कार्ड है विद एक्सप्लेनेशन इन हिंदी या मैं आपके सामने यह वीडियो लेकर आया हूँ बहुत ही इजी मेथड में प्रिपेयर किया है अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा आपको स्क्रीन पर शो हो रही है और मेरे कोर्सेज पर गाइज 50% डिस्काउंट चल रहा है जल्दी जल्दी से अपनी आयल्स क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो आगे इसके बुलेट पॉइंट अब फर्स्ट इज वट इज द लॉ यह कानून क्या है हाउ यू केम टू नो अबाउट दिस लॉ आपको इस कानून के बारे में कैसे पता चला हुम डज इट अफेक्ट यह किसे प्रभावित करता है लास्ट एक्सप्लेन वाई यू थिंक इट इज़ ए गुड लॉ और एक्सप्लेन करें क्यों आपको लगता है कि यह एक अच्छा लॉ है कानून है एंड गायज जो मेरा स्पेशल स्पीकिंग पी है वो अवेलेबल आप नीचे दुए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ले सकते हो अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो सो so, स्टार्ट करते हैं वेल लॉज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एवरी कंट्री बिकॉज लॉज हेल्प टू मेन्टेन रूल्स एंड रेगोलेशन वेल जो लॉज है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हर एक कंट्री में बिकॉज जो लॉज होते हैं वह मदद करते हैं रूल्स एंड रेगूलेशन को मैंटेन करने के लिए एज वेल एज स्मूथ रनिंग ऑफ द सोसाइटी और सोसाइटी को अच्छे वे में रन करने के लिए विदाउट दीज लॉज इन लॉज के बिना मैनी काइंड ऑफ क्राइम्स एंड रॉन्ग हैपनिंग्स कैन बी सीन इन दोसाइटीज़ वेल इन कानूनों के बिना बहुत तरह के क्राइम्स और जो है गलत हैपनिंग्स रॉन्ग हैपनिंग्स देखी जा सकती हैं सोसाइटीज में देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लॉज विच आर गुड फॉर सोसाइटी एंड पीपल सच एज बैन ऑन द यूजेज ऑफ प्लास्टिक बैग एंड मैनी मोर वेल बहुत तरह के लॉज है जो कि लोगों के लिए और समाज के लिए अच्छे हैं जैसे कि प्लास्टिक बैग्स की यूजेज का बैन होना एंड और भी बहुत सारे बट हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ लॉ इन बैनिंग द यूजेज ऑफ प्लास्टिक बैग्स बट आज मैं एक लॉ के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि प्लास्टिक के बैग्स की यूज को बैन करने को लेकर है आई रिमेंबर मुझे याद है फाइव ईयर्स बिफोर लगभग पाँच साल पहले इंडियन गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटड द लॉ टू बैन प्लास्टिक कैरी बैग्स विच आई केम टू नो थ्रू इंटरनेट इंडियन गवर्नमेंट ने एक लॉ को लागू किया था प्लास्टिक कैरी बैग्स को बैन करने को लेकर जो कि मुझे इंटरनेट के थ्रू पता चला दिस लॉ अफेक्ट्स ईच एंड एवरी पर्सन ऑन अर्थ यह जो लॉ है कानून है हर एक पर्सन को दुनिया में जो धरती पर कोई भी पर्सन है उसे अफेक्ट करता है प्रभावित करता है इन टर्म्स ऑफ एडवांटेजेस नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स विल सेव दैमसेल्व फ्राम डेंजरस अफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग्स फ़ायदों की बात करें ओनली ह्यूमन बींग्स ही नहीं अपने आप को सेव करेंगे जो इसके खतरनाक प्रभाव से प्लास्टिक कैरी बैग्स के बट ऑल्सो लॉट्स ऑफ एनिमल्स मे सिक्योर देयर लाइफ विच आर कॉमनली सीन ऑन रोड इन माई नेशन हु अन नॉइंगली ईट्स प्लास्टिक कैरी बैग एंड फ्यू ऑफ दैम मे लॉस देयर लाइफ्स पर इसके साथ ही बहुत सारे एनिमल्स भी अपनी लाइफ को सुरक्षित कर सकते हैं जो कि रोड्स पर कॉमनली देखे जाते हैं मेरे देश में जो कि अन प्लास्टिक कैरी बैग्स को खा जाते हैं और उनमें से कुछ अपनी जो है लाइफ भी लॉस्ट कर जाते हैं यानी कि जिंदगी भी गवा जाते हैं फर्दर मोर इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंड द यूजेज ऑफ कैरी बैग्स इन 2016 इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया है उन्होंने बैन किया था प्लास्टिक कैरी बैग्स को इन 2016 में बट समवेयर दिस लॉ वॉज़ फेल्ड बिकॉज देर वर नो अल्टरनेटिवस ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग्स बट यह जो लॉ है कहीं ना कहीं फ़ेल हो गया था उस समय में क्योंकि कोई भी और प्लास्टिक कैरी बैग्स के अल्टरनेटिव्स नहीं थे After two years on World Environment Day, the World Environment Day government announced again strict ban against the usage of plastic carry bags and all other sort of plastic forms like drinking straws, carry bags and bottles of plastic. दो सालों के बाद वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पर गवर्नमेंट ने दोबारा से स्ट्रिक्ट बैन अनाउंस किया प्लास्टिक यूजेज के अगेंस्ट एंड और भी लाइक जो कैरी बैग्स से एंड और भी जो टाइप्स के प्लास्टिक थे जैसे कि स्ट्रॉज कैरी बैग्स प्लास्टिक बॉटल्स अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अलावा गवर्नमेंट ऑल्सो गेव इट्स अल्टरनेटिवस एट दैट टाइम लाइक हैंडमेड बैग्स पेपर कैरी बैग्स एंड क्लोदिंग बैग्स इसके साथ ही उस समय गवर्नमेंट ने अल्टरनेटिवस भी प्रोवाइड किए जैसे कि हैंडमेड बैग्स पेपर बैग्स और कैरी बैग इट वॉज़ रियली गुड इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बैन बिकॉज इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल एज वेल एज इमिट हार्मफुल फ्यूम्स इन टू एयर इफ़ बर्नड वेल यह सचमुच एक बहुत अच्छा इनिशेटिव था इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बैन करना क्योंकि यह नॉन बायोडिग्रेडेबल है और इसके साथ ही हार्मुल फ्यूम्स भी एयर में इमिट करता है यानी कि छोड़ता है अगर इसे जलाया जाता है विच हैज़ रियली डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट्स ऑन एयर जिसके बहुत ही खतरनाक यानि कि नेगेटिव प्रभाव है एयर पर हवा पर एट लास्ट आई कैन से दैट दिस इज अ गुड लॉ विच विल हेल्प टू सिक्योर द इनवायमेंट सो लास्ट में यही कहूंगा यह एक बहुत अच्छा लॉ है जो कि एनवायरमेंट को सिक्योर करने में मदद करेगा गाइज डू यू वॉन्ट टू इनक्रीज यूर स्कोर योर सेंटेंस फॉर्मेशन ब्रिंग वेरिएशन इन योर सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो वर्क ऑन टास्क रिस्पॉन्स एंड गायस जो मेरे फॉलोअप्स है वो आपको अगले वीडियो में देखने को मिल जाएंगे और जो इसका लिंक है वो भी थोड़े टाइम तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गायस जो नीचे आपको सब्सक्राइब के ऑप्शन दिख रही है सब्सक्राइब करके उसके साथ बेल होगी उसे ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लो ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए थैंक यू गॉइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप यू गॉयज विल फाइंड दिस वीडियो यूजफुल फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेज यू गॉयज कैन कॉन्टेट ऑन गिवन नंबर एज वेल एज ऑन इंस्टाग्राम आई डी एंड फॉर माई स्पेशल यू गॉयज कैन कॉन्टैक्ट ऑन गिवन नंबर डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर थैंक यू सो मच गॉइज